students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions class 11th and 12th, जहां पे हम NCERT की सभी exercises detail में discuss करते हैं of all the subjects on one single platform। ये question है आपकी chemistry की class 12 के NCERT का सबसे पहला chapter which is solutions का question number 1.3। ये क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। तो ये सारी टर्म्स डिफाइन करनी है, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहला है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन समझने के लिए ना आप सबसे पहले ये समझो कि जैसे ये एक कंपाउंड बनाया मैंने, और ये कंपाउंड दो चीज़ों का बनाया विच इज ए एंड बी। अब मुझे मोल फ्रैक्शन पूछा गया ए का, तो ए का मोल फ्रैक्शन मैं कैसे निकालूंगी? तो मोल फ्रैक्शन के लिए सिंबल यूज होता है एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इसमें कितने मोल्स है ए के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो कंपाउंड में तो ए के भी मोल्स है और बी के भी मोल्स है, तो इन सबको ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो इससे आपका क्या आ गया, ए के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और अगर ये कंपाउंड सिमिलरली, अगर ये कंपाउंड केवल दो नहीं तीन चीजों का बना होता विच इज ए बी सी, तो ए के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं कैसे करती, एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो ऐसे निकलते हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब क्या है, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितना भी कंपाउंड में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो, जो यहाँ पे बी है, तो एक्स बी कर दूं, मोल फ्रैक्शन निकालूंगी, तो मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि है मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इससे आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन की। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी जैसे ही आ जाए वैसे ही आपको समझना है कि इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। सबसे पहली बार सिंबल होता है स्मॉल एम, और ये क्या होता है, ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये चीजें याद रखनी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्वेंट का मास किसमें, केजी में चाहिए होता है। ये होती है मोलैलिटी की डेफिनेशन, मतलब कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है आपके एक केजी सॉल्वेंट में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स, मोल पर केजी। मतलब कि कितने मोल्स एक किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। समझ गए। अब नेक्स्ट में चलते हैं जो कि है मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितने सोल्यूट के मोल्स एक लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसे मोलैरिटी बोलते हैं। इसका सिंबल होता है कैपिटल एम, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, उसके बाद इसकी यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर। मतलब कितने मोल्स एक लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसे हम मोलैरिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज इट्स मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं मोलैलिटी, जो पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे गौर करने की टर्म है, यहाँ पे सोल्यूशन के लीटर्स वॉल्यूम आता है और यहाँ सॉल्वेंट का मास आता है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट में जो कि है मास परसेंटेज। इसको समझने के लिए भी मैं एक ये बना देती हूँ पाई चार्ट। जैसे कि एक कंपाउंड है, वो फिर से दो चीजों का बना है विच इज ए एंड बी। तीन का भी बना हो सकता है, चार का भी बना हो सकता है, पर सिंपली मैं ले लेती हूँ दो चीजों का बना है। अब मास परसेंटेज, मास परसेंटेज मुझे किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, ऑफ ए। तो मैं कैसे निकालूंगी मास परसेंटेज, कि कितना मास, मास ऑफ ए, कितना ए प्रेजेंट है, कितना ए प्रेजेंट है टोटल कंपाउंड में, टोटल मास ऑफ कंपाउंड में। तो टोटल मास अपॉन टोटल मास, जो कि उसमें क्या क्या आएगा, ए भी होगा और बी का मास भी होगा, दोनों का मास ऐड कर दूंगी। इनटू क्या करना है मुझे, 100। व्हाई, बिकॉज परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज। सिमिलरली मैं क्या निकालूंगी, मास परसेंटेज ऑफ बी। मास परसेंटेज ऑफ बी निकालने के लिए मास परसेंटेज, ये मास है, मास परसेंटेज ऑफ बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है, टोटल मास में तो दोनों आएंगे, ए भी होगा बी भी होगा। अभी मैं बी की मास परसेंटेज निकाल रही हूँ, पर टोटल मास में तो दोनों हैं। टोटल मास विच इज ए प्लस बी इंटू 100। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं. So this is how you define, you know what are these terms. Mass percentage समझ गए, molarity समझ गए, molality समझ गए, mole fraction समझ गए, and this question is complete now. फिर भी कोई doubts है, कोई और terms हैं जो नहीं पता, तो let me know in the comment section below. I'll help you out with them. And I'll see you in the next video. Also don't forget to like and subscribe the channel. Bye bye.